हेलो चिल्ड्रेन, आई एम नंदिनी शर्मा फ्रॉम एम बी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। आज हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कौन कौन सी मात्रा पढ़ी थी? आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो आज हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे? इसके बाद कौन सी मात्रा आती है? छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? छोटे ऊ की मात्रा को अलग अलग व्यंजन के साथ में जोड़कर उन्हें पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, सो ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ऊ की मात्रा को आगे के टर्न करके आगे की तरफ ले लाया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ऊ की मात्रा को हमने सबसे पहले व्यंजन की कहाँ लगती है? ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, और व्यंजन के नीचे उसको छूते हुए यह आगे की तरफ टर्न कर जाती है। ठीक है, तो व्यंजन के साथ में अब इसको कैसे सीखेंगे देखते हैं। क, क पहले बताइए ऊ की मात्रा का उच्चारण कैसा होता है, कैसे बोलते हैं ऊ? जैसे हम छोटी ई की मात्रा को क्विक जल्दी बोलते थे, वैसे ही छोटी ऊ की मात्रा को भी हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं। इसका उच्चारण भी कैसा होता है? लघु उच्चारण होता है, जल्दी क्विक बोलते हैं। तो इसका साउंड कैसा होगा? ऊ। जैसे क के साथ में ऊ की मात्रा जोड़ी तो कु, छ के साथ में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी तो छु। अब इसे हम व्यंजन के साथ में सीखते हैं। जैसे क, क के साथ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी तो क्या बनेगा? कु। च, च के साथ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो चु। म, म के साथ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो मु। न, न के साथ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो नु। र, र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा। अब देखिए, र के साथ में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है? नीचे की तरफ झुकते हुए। ठीक है, र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है? नीचे की तरफ झुकते हुए, और इसके बैक साइड पर लगाई जाती है। तो र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो रु। ज, ज में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो रु, सॉरी ज, ज के साथ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जु। त, त में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो तु। ल, ल में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी तो लु। ख, ख में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो खु। द, द में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया? दु। ट, ट में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? टु। प, प में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है? पु। छ, छ में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? छु। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। अब आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।